हरी हरी बोलो जी, कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे प्यारे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला, कैसे इनके पास आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गोपू लाला को देखिए जरा, ये पहले ही यहाँ आके विराजमान है और अभी जो इनकी झांकी वगैरह है वो सारा सबको डेकोरेशन वगैरह सब चल रहा है, लेकिन इनको सारा सब कुछ देखना था तो यहाँ पे ये पहले विराजमान हो गए। तो जी आज का जो वीडियो है, जो कुछ प्रश्न है जल्दी से उसको मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सभी लोग बहुत व्यस्त होंगे, हम लोग भी बहुत व्यस्त हैं और सारा सब कुछ चल रहा है, बस मेरे लाली लाला की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो जाए। कुछ प्रश्न है जिसमें से सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि लड्डू गोपाल की सुबह की जन्माष्टमी के दिन की पूजन कैसे होगी, कलश स्थापना कब होगा और किस प्रकार से दिनचर्या होना चाहिए और व्रत कैसे करें और 6-7 को जन्माष्टमी है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ जन्माष्टमी कब की है। जन्माष्टमी मेरे बिहारी लाला के पास में 7 तारीख को मनाई जा रही है, तो 7 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाइए, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे जो साधु संत वाली हो। हमारे लिए देखिए जब बिहारी लाला के पास में मनता है तो उसी हिसाब से मैं मनाती हूँ और सभी लोग 7 को ही मनाएंगे उदया तिथि के हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कि उस दिन का जो आपका दिनचर्या होगा, जो सुबह का, वो कैसे होगा, पूजन कैसे होगी। सर्वप्रथम आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाइएगा ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे कि मैं हमेशा हर बार बताती हूँ। सुबह जल्दी उठ जाने के बाद में घर को अपने अच्छे से स्वच्छ कर लीजिएगा, मतलब स्वच्छता तो पहले ही आप लोग साफ सफाइयां सब कर रहे हैं भाई, हमारे लिए तो, मेरे लिए तो दिवाली होली क्या, सब कुछ मेरे लालों को जन्मदिन जन्माष्टमी और राधाष्टमी होती है, तो घर की एक एक कोने की सफाई हमारे यहाँ होती है। स्वच्छता का मतलब उस दिन का है, आपको जो मेन काम करना है दहलीज पूजन करना है, जरूर कर लीजिएगा दहलीज पूजन, क्योंकि लाला का लाली का आगमन होगा। घर को अच्छे से स्वच्छ करने के बाद में आपको दहलीज पूजन करनी है, स्नान करिए शुद्ध मन से, बिल्कुल शुद्धता से। उस दिन कोई भी मन में चिंता फिकर टाइम कुछ मत लाइएगा, बस लाला के नाम जाप में और सब में मन में नाम जाप करते ही रहिएगा, स्नान कर लीजिएगा। अब आपको जो पूजा करनी है स्नान वगैरह के बाद में, सारा सब कुछ आप तैयारी कर लीजिएगा रात में। आपको जो पूजन में सर्वप्रथम आपको जैसे रेगुलर पूजा आपने किया, कलश स्थापना आपको मॉर्निंग में ही कर देना है। कलश स्थापना 2 तरीके का होता है, एक जो होता है वो श्री जो नारियल का कलश स्थापना होता है, एक होता है दीप कलश स्थापना और एक होता है श्री कलश स्थापना। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से करना चाहें। आप चाहे तो नारियल जो श्री कलश स्थापना है आप वो भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप दीप का, अखंड दीप का जो कलश स्थापना है आप वो भी कर सकते हो। आपके ये भाव और आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन कलश स्थापना जो भी आप करेंगे वो मॉर्निंग में सुबह ही हो जाएगी। आप लाला को पूरी पूजन करें, कलश स्थापना करें, फिर आपको लाला को पूरा पंचामृत अभिषेक लाला लाली को करवाना है। देखिए सुबह का जो आपको अभिषेक करवाना होता है, मैं आपको पहले अभिषेक की पूरी वीडियो बना के दे चुकी हूँ किस प्रकार से आपको अभिषेक करना है, आप मेरे वीडियो चेक कर लीजिएगा। आप चाहे तो एक साथ सारी सामग्रियों को मिला के करिए, आप अलग अलग करके करिए, लेकिन मॉर्निंग में भी लाला को अभिषेक कराया जाएगा। लाडो के साथ में लाला लाली साथ में अभिषेक करेंगे जन्माष्टमी की सुबह को, और फिर उसके बाद में आप उनको स्वच्छ नए वस्त्र पहनाइएगा। नए ना हो तो भाव बस लाला का स्मरण करके, आपके पास जैसे वस्त्र हो शुद्ध करके आप उनको धारण कराइएगा, लेकिन कोशिश करें कि उस दिन लाला को नए वस्त्र पहनाइए, लाला को जन्मदिन हो भाई, तो नए वस्त्र धारण करा लीजिएगा। वस्त्र धारण कराने के बाद में स्वच्छता से उनको इत्र चंदन पूरा सब कुछ आप लगाएं। उस दिन जो भोग लगेगा, उस दिन देखिए अन्न का, क्योंकि आपका भी उपवास होगा उस दिन, उपवास में भी मैं आ रही हूँ, कैसे कैसे आपको क्या करना है। आप लाला को भोग में जो फल है, मेवा है, दूध है, इसका आप भोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई सुबह की पूजन। और आपको एक बात बहुत ध्यान देना है, अखंड दीपक आपको उस दिन जरूर प्रज्वलित कर देना है। सुबह से ही अखंड दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिएगा अपने मंदिर में। आप चाहे कलश के ऊपर रख के करिए, अलग करके करिए, लेकिन मैं कहूंगी कि आप अलग ही रख के करें, और कलश स्थापना और अखंड दीप प्रज्वलित उस दिन पूरा दिन आपकी चलेगी, जो कि आपकी नेक्स्ट डे तक आप कोशिश करिएगा अखंड दीप आप ऐसे बनाइएगा कि पूरा दिन वो, पूरी रात वो जलती रहे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न कि भोग हो गया, आपको व्रत कैसे रखना है। व्रत आपको संकल्प लीजिएगा, थोड़े से पुष्प ले लें, जल ले लें, और बस लाला से लाली से मन में खूब प्यार विचार करके, उनसे बातें करके आप व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। व्रत का संकल्प आपको पूरा दिन फलाहार रखना है। आप पानी, आप फल ले सकते हो, दूध वगैरह पी सकते हो, आप मतलब पूरा फलाहार जैसा व्रत होता है आप रख सकते हैं जी।
फिर आपको पारण कब करना है? देखिए बहुत सारे लोग 12 बजे के बाद पारण कर लेते हैं, हम लोग भी, मैं भी रात के 12 बजे के बाद पारण कर लेती हूँ। डेढ़ टाइम तो हो ही जाता है, लाला का अभिषेक, सारी पूजन वगैरह संपन्न होने के बाद हम पारण करते हैं। तो आप इस तरीके से व्रत करिएगा, कलश स्थापना, दीप प्रज्वलित, दहलीज पूजन। फिर बात आ जाती है अहम की, आपकी की, और कौन सा प्रश्न था कि हाँ कि आपको रात को जो दीपक जलाना है, देखिए अखंड दीपक जो जलेगा वो जलेगा ही, रात में जो आप दीपक जलाएंगे लाला के जन्म होने के बाद में अभिषेक से पहले जो दीपक जलाइएगा वो तुलसी की लकड़ी का जरूर दीपक जलाइएगा जी। तुलसी की लकड़ी का जो दीपक मैंने आपको वो भी शेयर किया हुआ है कैसे बनेगा, कैसे क्या है, आप वो लकड़ी का दीपक जलाएं और लाला के पास में अभिषेक से पहले प्रज्वलित कर दें। वो दीपक भी जो अभिषेक से पहले प्रज्वलित हो जाएगा उससे आपको आरती बिल्कुल नहीं करनी है, वो दीपक भी आप अखंड दीपक के पास में ही रख दीजिएगा जब तक कि वो जलता रहे, अखंड दीपक तो आपका एज इट इज जलेगा ही जलेगा। फिर बात आ जाएगी, फिर आपको आरती, महाभोग, महाआरती करिए और इस तरीके से आपको जन्माष्टमी में सुबह से रात तक की सरल विधि से पूजन करनी है। मैं सब कुछ बता चुकी हूँ कि 7-7:30 बजे के करीब लाला को पुष्पों में, आपको जिनके घर में खीरे से जन्म नहीं होता है वो लाला को 7-7:30 बजे के बीच में पुष्पों से बिल्कुल ढक देंगे, लेकिन बहुत आराम से आसन पे कायदे से उनका गद्दा लगा के उनको लेटाइएगा और पुष्पों से ढक दीजिएगा, खीरा उनके पास जरूर रख दीजिएगा। आपके घर में खीरे से भले ही आपके घर में जन्म ना होता हो लेकिन नाल वाला खीरा उनके पास में रख दीजिएगा। देखिए सब कुछ भाव से होता है, 56 भोग नहीं 56 भाव, मैं हमेशा कहती हूँ, सारी पूजन अर्चन सब कुछ भाव से होता है, लाला बड़े दयालु है, कृपालु है, सब कुछ पूरा हो जाता है बस केवल भाव से। तो इस तरह से आपको पूजन अर्चन सुबह से ही करनी है, स्वच्छता का ख्याल रखें, शुद्धता का ख्याल रखें, सारा सब कुछ इस तरीके से। उस दिन वीरवार भी है, गुरुवार भी है, पीले कलर के वस्त्र धारण कराइएगा, वैसे भी मैंने लाला को बताया आप स्वयं भी पीले कलर का वस्त्र धारण करिएगा, स्वयं कभी अच्छे से श्रृंगार करिएगा रात को और खूब अच्छे से बन के फिर श्रृंगार और सब कुछ करके फिर लाला की पूजन करिएगा। बिल्कुल चिंता फिक्र नहीं कि ये रह गया, ये छूट गया, ये ऐसा नहीं हुआ, कोई चिंता की बात नहीं है जी, सब कुछ पूरा हो जाएगा, भले ही थोड़ी देर हो जाए लेकिन आनंद पूरा लाला का जन्म उत्सव का लेते हुए पूजन करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे, आशा करती हूँ आप लोगों को उत्तर मिले होंगे, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी, और ब्लॉग्स आते रहेंगे और आप लोग बने रहिएगा मेरे लाला लाली के चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरी हरी बोलो जी, राधे राधे जी, हरी बोल।